ये बर्गर पार्टी है, लेकिन उसके अंदर जो है तो लोहे के चने हैं। 24 घंटों में जो मुल्क को एक हैजान की कैफियत में मुबतला किया हुआ था, एक ऐसा जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म किया हुआ था, रियासती दहशतगर्दी अपने उरूज की थी कि अगर हम उन विजुअल्स को देखें जो कि आप मीडिया ने कवर किए हैं, तो लगता था कि हम शायद कोई कश्मीर का कोई मंजरनामा देख रहे हैं। जिस तरह से पीटीआई के कारकुनों पर, खवातीन पर, बच्चों पर तशद्दुद किया गया, वो बहुत ही एक शर्मनाक नज़ारा था जिसको कि पूरे पाकिस्तान ने बड़ी तश्वीश के साथ देखा। पाकिस्तानी आवाम देख रहे हैं कि इस मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। यहां पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और उसका सबसे महबूब तरीन लीडर इमरान खान, उसके पीछे कैसे कानूनी एक जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं, झूठी एफआईआरें की जा रही हैं और उनको हर तरह से हरासा करने की एक नाकाम कोशिश हो रही है। हमने देखा कि जिस तरह के खान साहब अपने ऊपर किए गए कातलाना हमले से पहले हर अदालत का, हर कोर्ट का, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, एफआईए की कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह वो जाते रहे हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं, हमारी पार्टी बिलीव करती है कि अगर पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का कोई रास्ता है तो वो है कानून और आईन की हुक्मरानी। इसके बगैर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो हम क्यों नहीं अदालतों का एहतराम करेंगे, हम क्यों नहीं अदालतों में पेश होंगे? हमने सिर्फ जब खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, वो जख्मी हुए, उसकी बुनियाद पर पहले वो इस काबिल नहीं थे कि वो अदालतें जा सकते, और उसके बाद जो सिक्योरिटी की हमारे खदशात थे, क्योंकि खान साहब ने अपने कातलाना हमले से पहले भी कह दिया था, एक महीना पहले, कि ये प्लान हो रहा है, ये साजिश हो रही है कि उनको किस तरह से इलिमिनेट किया जाए। उसके बाद जब दूसरा प्लान का भी हमें पता चला कि उन पर कातलाना हमला एक और प्लान हो रहा है, तो हमने अपनी सिक्योरिटी के खदशात की बुनियाद पर कुछ एक अदालत, हम यहां पे भी पेश हुए, खान साहब यहां पे पेश हुए 28 तारीख को, और जो लोअर कोर्ट्स नहीं गए, तो वो हमारा, आप सब जो उसकी ज्योग्राफी से वाकिफ हैं लोअर कोर्ट्स में, कि उधर तंग तंग गलियां हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है, पहले भी उस पर वहां पर कातलाना हमले हो चुके हैं। इसलिए जो हमें ये हमारा जो ये मौकफ था कि हम अदालतों में जरूर जाएंगे, और अभी भी जो पिटीशन, जो समन दिया गया था, हमें डेट दी गई थी 18 तारीख की, 18 मार्च की, और 15 कल के दिन 14 तारीख को इन्होंने पुलिस कशी कर दी, लश्कर कशी कर दी खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो कि समझते हैं कि इमरान खान को वो किसी